गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। सारे स्टूडेंट्स को आज मैं ये बता रहा हूँ, जो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास लेकर के आए हैं स्पेशल। ओनली क्लास टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही इसको देखें, बाकी किसी के देखने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए वीडियो को लो ग्रेड में मत डालना भैया, आप पहले शुरू करते हो एक मिनट देख के और फिर हटा देते हो, आपके काम की नहीं है कि नहीं। तो मैं पहले इनिशियली बता रहा हूँ आपको, ये जो है क्लास टेंथ के लिए ही स्पेशल बनाई जा रही है। और इसमें आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो इंग्लिश है क्लास टेंथ की, और वो भी कौन से बच्चों के लिए, राजस्थान बोर्ड RBSE अजमेर, जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन बच्चों के इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और फिर उसके अंदर जैसे हर चीज़ के अंदर आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन टेंस में आ सकता है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ सकता है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको अभी यहीं पे एकदम क्लियर करके जाऊंगा। और देखते हैं तो शुरू करेंगे। मेरे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर से जो आपके काम का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि किस तरह का जो आपका पेपर है वो आएगा, ठीक है। तो जब पेपर की बात करते हैं आपने, तो नॉलेज बेस्ड जो है वो है आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 23 मार्क्स के क्वेश्चन आपको नॉलेज के बेस पे पूछे जाएंगे कि आपको ज्ञान कितना है। नॉलेज बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 23 मार्क्स के। इसके बाद में आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ करके आंसर देना, आपकी जो आपने समझा कितना है पूरे साल में जो आप पढ़ाई करते हो उसके अंदर आप कितना समझे हो, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन स्टैंड करेंगे 20 मार्क्स के। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब वो एप्लीकेशन नहीं है जो आप समझ रहे हो कि एप्लीकेशन लेटर वाली। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसको किस तरह से आप अप्लाई करते हो, किस तरह से प्रैक्टिकली उसको कागज के ऊपर दिखाते हो कि हाँ जी हम इतना सीख चुके हैं, ये आपका आ रहा है 21 मार्क्स का। और स्किल, इसमें वो सारा कुछ आ जाएगा, यानी स्किल है आपके 16 मार्क। यानी जैसे बार बार आपको कहते हैं ना, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपके आंसर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, टीचर को आपकी कॉपी देखते ही प्रथम दृष्टया उसको पसंद आनी चाहिए कि हाँ भाई छोरे ने शानदार लिखा है, वो सारा का सारा स्किल्स के अंदर आ जाता है। तो 23 आपका नॉलेज पार्ट हो गया, 20 का अंडरस्टैंडिंग हो गया, 21 का एप्लीकेशन, और 16 मार्क्स का हो गया स्किल। स्किल के अंदर आप लेटर एप्लीकेशन जो लिखते हो वो डिपेंड करता है। अब देखिए जिस तरह से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे सेक्शन वाइज। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और वो भी सेक्शन वाइज कि कितने क्वेश्चन किस बेस पे आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका रहेगा वो रहेगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर होता है रीडिंग। रीडिंग यानी आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपके दो पैराग्राफ आएंगे, उसको आपने पढ़ना है और पढ़ करके और उसके अंदर से आंसर निकालना है। तो ये जो आपका सेक्शन ए है इसके अंदर से 6 क्वेश्चन आपके MCQ आते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 6, यानी ABCD ऑप्शनल टाइप आप जिनको कहते हो, ABCD में से आपको जिस पे मार्क करना है वो क्वेश्चन 6 आएंगे, पैराग्राफ के अंदर से आएंगे, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर। और ये रहेगा कितना, ये आपका सेक्शन जो है ये टोटल 15 मार्क्स का रहने वाला है। मार्क्स इसके रहेंगे 15 मार्क्स का आपको दो पैराग्राफ मिलते हैं जिसमें 6 आपको MCQ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
आपका जो पेपर रहेगा उसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। यानी देखो दोनों पैराग्राफ जो हैं आपके उनके अंदर से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू 6 नंबर का और बाकी आपके बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज आपका आ जाएगा, अनसीन पैसेज दोनों मिला करके और आपके आते हैं 15 नंबर के, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो आपके पैसेज के अंदर से छोटे छोटे सिंगल लाइनर्स जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ही आते हैं पैसेज के अंदर से, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद में एक पैराग्राफ जो होता है उसमें आपको एमसीक्यू मिलते हैं, एमसीक्यू का आंसर आपने देने हैं। और ये जो मैंने 6 लिखा है ना इसके अंदर आपको एमसीक्यू मिलेंगे 4 ही, 2 जो होते हैं वोकैब, यानी आपकी वोकेबलरी कैसी है वो आपसे पूछेगा कि यहाँ वन वर्ड कौन सा दिया गया है, सिमिलर कौन सा दिया गया है, ऑपोजिट कौन सा दिया गया है, उसको आप रट नहीं सकते। जिसके ये जो 2 क्वेश्चन है वोकेबलरी वाले, ये 2 वोकेब के क्वेश्चन वही टॉपर करेगा जिसकी इंग्लिश एवरेज है, ज्यादा अच्छी की जरूरत नहीं होती है, एवरेज इंग्लिश जिसकी है वो वोकेब के क्वेश्चन निकाल देगा। दूसरी बात, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसका जो तरीका मैं आपको बता देता हूं कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो जनरली पैराग्राफ में जाइए, राइट। कई बार तो ऐसा सीधा ही आ जाता है कि गुड का ऑपोजिट ढूंढिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट इस तरह का कुछ होगा तो उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। और लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अपने को उसका मीनिंग ही नहीं पता चल रहा होता कि भाई ये वर्ड क्या आ गया, तो ऐसे वर्ड के लिए आप पैराग्राफ में जाइए और पैराग्राफ के अंदर जो सबसे अजीब सा शब्द आपको लगे ना यार ये शब्द आज तक कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा, वो शब्द पटक देना, मे बी आपका 50% चांस है कि राइट चला जाए, 50% है गलत भी जा सकता है, पर क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके, तो खाली छोड़ने की कोई मतलब नहीं है कि आप खाली छोड़ करके आए, ठीक है। तो इसको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी करना है और इसके अंदर आपके क्या है कि 50% जो है वो आपका मेरे हिसाब से सही जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर पैराग्राफ के अंदर सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो कि पैराग्राफ को अंदर से एज इट इज लाइन उठा करके और डाल देते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बनाते हो, उसके अंदर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है इसके अभी मैं मार्क्स बता रहा हूँ और ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें अपने को थोड़ी डिजिटल हेल्प भी लेनी पड़ेगी कि पैराग्राफ यहाँ डिस्प्ले भी होना चाहिए, राइट। तो उसके चक्कर में अपने इसको अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर ये जनरली पैराग्राफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें पैराग्राफ और राइटिंग सेक्शन को मैं कवर करूंगा, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा आपका लेटर या ईमेल दोनों में एक आएगा, लेटर और ईमेल ऑप्शनल आता है 5 नंबर ऑप्शन में आएगा जो आपको आ रहा है। एक चीज की अच्छे से तैयारी करके आइए, स्टोरी है, स्टोरी में आपको आउटलाइन मिलती है लेकिन आउटलाइन को सिर्फ आपको व्यवस्थित करना है और कुछ नहीं करना ज्यादा। स्टोरी राइटिंग के अंदर आपको आउटलाइन दी हुई मिलती है पहले से, ये है आपकी 4 मार्क्स की। ये स्टोरी राइटिंग जो है ये आपकी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर टेढ़ा मेढ़ा भी करोगे तो आधे मार्क्स और मिल ही जाएंगे क्योंकि आउटलाइन सारी लिखी हुई होती है और वर्ड्स दिए आपको उसके अंदर वर्ड्स ही डालने होते हैं। टेंस ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आज इसी क्लास के अंदर मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। टेंस जो है 4 नंबर का, इसमें आप ये मान के चलिए कि आपके 4 में से 4 आएंगे और वो भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा ओनली, वो 10 स्टेप्स यानी 10 फार्मूलाज, और उन 10 फार्मूलाज के अंदर से ही आपके चारों क्वेश्चन आएंगे, उनके बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये टेंस में आपका 4 में से 4 मान के चलिए अगर आज की क्लास आप पूरी लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपका आ रहा है 2 मार्क्स का, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है
ये आपका 2 मार्क्स का आ रहा है, ये भी आज ही की क्लास में हम कवर करेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तब तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन कई जिन टावरों को समझ में नहीं आया उनको भी ये बताएंगे, सीधी सीधी मैं लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आपने इसको करना किस तरीके से है। अगर नहीं आता है तो क्या आइडिया लगा करके आपको ये करना है जिससे कि ये आपका सही हो जाए और 2 में से कम 1 मार्क आपको मिल ही जाए, ज़्यादा नहीं तो। राइट, कंजंक्शन आपका आ रहा है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस एकदम इजी है, कंजंक्शंस इसी क्लास के अंदर मैं आपके सारे कवर करवा दूंगा कि किस तरह से आपको कंजंक्शन का यूज करना है। कंजंक्शन में नंबर नहीं कटेगा आपका, 3 में से 3 नंबर आपको मिलेंगे कंजंक्शन के अंदर। इसके बाद में आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप आज की क्लास कंप्लीट करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये भी हम आज ही की क्लास के अंदर करेंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपका मार्क नहीं कटने वाला है, 2 मार्क्स यहां पर आपके बनेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है वॉइस, ग्रामर के अंदर आ रहा है वॉइस, वॉइस आ रहा है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स के अंदर से 1 मार्क मैं आपको आज की क्लास में दिलवा दूंगा कि एक जो सिंपल सेंटेंस आता है, एक थोड़ा उठपटांग सा आता है, जो सिंपल वाले सेंटेंस हैं उनका वॉइस आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। बता तो उठपटांग वाले भी मैं दूंगा कि इस तरीके से आपको करने हैं, पर कई बार अगर बाय चांस थोड़ा बहुत हार्ड लेवल का आ जाए तो वो टावरों से नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद में है फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग, यहां पे आपके आएंगे 2 में से 2 मार्क्स, फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग्स, यहां पे आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो है आपका ग्रामर का सेक्शन, इसके बाद में आते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। टेक्सचुअल क्वेश्चन आज आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि पोएट्री में से कितने आने वाले हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट इसमें से कितने आएंगे। देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके आते हैं 7 मार्क, सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से आपके 2 तो आएंगे पैसेज, पैसेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके 2 पैसेज आएंगे वो आपके चैप्टर्स के अंदर होंगे और कौन सी बुक के अंदर से होंगे ये होंगे साहब आपके फर्स्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आपके 2 पैसेज आने वाले हैं। ये पैसेज बिल्कुल उसी तरह से आएंगे जैसे आपके अनसीन पैसेज आते हैं, लेकिन ये आपकी बुक में से आते हैं और आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो कि आपके पैसेज के अंदर आंसर अवेलेबल होता है। इसके अंदर भी आप मानो कि आप वोकेब को अगर छोड़ दो, वोकेबलरी को आप छोड़ दो, तो बाकी के मार्क्स आप इजीली इसके अंदर परस्यू कर सकते हैं, बाकी के मार्क्स के अंदर आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, अब इसके अंदर ये आएंगे आपके ये जो 2 पैसेज हैं ये होते हैं आपके 12 मार्क्स के। अब 12 मार्क्स के अंदर से आप ये मान लो वोकैब के अगर 4 क्वेश्चन आप नहीं करते हो, वोकैब आपको नहीं आती है, 4 आपने छोड़ दिए, तो भी आप यहाँ पर 8 मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हो। 8 मार्क्स के अंदर जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी ला सकता है थोड़ा सा ध्यान दे के अगर पैराग्राफ को पढ़ता है। इसके बाद में आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है वो इसी बुक के फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नॉलेज बेस पे कैसे आंसर लिखना है वो भी आज ही मैं आपको बताऊंगा। पोएट्री, पोएट्री आपकी आ रही है 8 मार्क्स की, इसके अंदर से भी आपके क्वेश्चन आने हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा पोएट्री के अंदर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पोएट्री के अंदर से एक तो आपके पूरी पोएम आती है या पोएम की लाइनें आएगी उनके अंदर से आपको आंसर देना होता है, ठीक है। और जो आपके एक बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो फुटप्रिंट वाली आपकी बुक है ये आपकी आती है 10 मार्क्स की, इसके अंदर से आपके जनरली क्वेश्चन ही आते हैं और इसके अंदर से MCQ भी आते हैं। ये जो है ना आपकी फुटप्रिंट विदाउट फुट, इसके अंदर से MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे, 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। अब ये जो है ये आपके पूरे पेपर का फॉर्मेट है कि 80 मार्क्स आपके किस तरह से कवर होंगे, वो सारा का सारा इसी के अंदर से कवर होता है।
15 मार्क का आपका पैसेज आ गया। मैं ये मानता हूं कि इस 15 के अंदर से अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी थोड़ा सा ध्यान देगा और ये आज वाली अगर क्लास आप लगाते हो, इसका जैसे ही पूरा होता है मैं आपकी क्लास शुरू करूंगा। अब चाहे लग जाए अपने को 2 घंटे, चाहे लगे 3 घंटे, या चाहे लगे अपने को आज 4 घंटे, घंटे की कोई बात नहीं है। आज का दिन आपके लिए, आज छुट्टी का दिन है, ठीक है। तो आज आपको ये सारा का सारा क्लियर करवाना है एकदम कंप्लीट। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 15 मार्क्स हैं इसके अंदर से आप 10 मार्क्स अब खेल गया भाई मार्क्स को मार्क्स इसके अंदर से 10 मार्क्स परस्यू कर सकते हैं। 10 मार्क्स आप इसके अंदर इजीली लेकर के आ सकते हैं। 10 मार्क्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो लेटर और ईमेल है, अगर कितना भी भेड़ा लिखोगे, फॉर्मेट सही रहेगा तो आप इसमें 3 मार्क्स ले आओगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, एकदम वीक स्टूडेंट को बेस मान के चल रहा हूँ मैं, जो ये मानता है मेरे को इंग्लिश पल्ले ही नहीं पड़ रही। ये जो स्टोरी राइटिंग है, इसमें आप मान के चलिए आपके अगर कितनी भी ऊटपटांग लिख दी तो 2 मार्क्स आपके आ जाएंगे। टेंस में 4 out of 4 आएंगे। अगर आप क्लास पूरी ले लेते हो तो ये 4 नंबर आपके ये रहे। अब देखिए कैसे कैसे करना है। वॉइस में मानो आप 1 नंबर, क्वेश्चन टैग में मानिए 1, और ये जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है इसके अंदर वोकैब वाले क्वेश्चन को छोड़ करके, और जैसे मैंने यहां पे बताया है, 8 मार्क्स कोई भी बच्चा ला सकता है। टेक्सचुअल क्वेश्चन है 7 का, यहां पे मान के चलिए कमजोर से कमजोर बच्चा 4 मार्क्स लाएगा। पोइट्री के अंदर 5 मार्क्स लाएगा, और एकदम कमजोर टाबर है वो फुटप्रिंट के जो 10 है उसमें 4 का तो है MCQ, ठीक है। इसके अलावा मान लो 2 मार्क्स और ले आता है कहीं से भी तो 6 मार्क्स यहाँ पे आप ले आते हो। रिपोर्टेड स्पीच में 1, कंजक्शन में 3 और रिलेटिव प्रोनाउन में 3 आएंगे, ये मैं दिलाऊंगा आपको। अब देख लो कि अगर एक कमजोर बच्चा भी कितने नंबर बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 7, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 36, 30, 40, 45, 50, 51, यानी ये जो 51 मार्क्स है ना, ये कोई भी टॉपर लेके आ सकता है, और स्कूल ने आपके 20 भेजे होंगे, यानी मोर देन 70% मार्क आप परस्यू कर सकते हैं अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं इंग्लिश के अंदर। घबराने वाली कोई बात नहीं है और ये करेंगे आप, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं कि किस तरीके से, स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले जैसे कहा, राइटिंग सेक्शन को मैं आज नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि जो पैराग्राफ है ना वो अपने, उसको थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, पैराग्राफ को साथ में लेकर के और उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन जितना बोर्ड पे हो सकता है, जैसे टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, आप ये मान के चलिए कि आज जो ग्रामर के पार्ट है ना, ग्रामर के पार्ट और टेक्स्चुअल क्वेश्चन आज आपको मैं क्लियर कराने वाला हूं। यानी आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी ग्रामर और आपकी टेक्स्ट बुक, और नेक्स्ट क्लास आपकी जो रहेगी वो रहेगी रीडिंग प्लस राइटिंग। ये तो 2 क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 1 में वैसे भी बर्डन बढ़ जाएगा, कचरा हो जाएगा, लेकिन ग्रामर और टेक्स्ट बुक जो है वो आज हम यहीं पूरी करेंगे इसी क्लास के अंदर। चाहे क्लास कितनी भी लंबी चलानी पड़े, आज ये आपकी ग्रामर और टेक्स्ट बुक वाला जो झंझट है वो आज मिटा के छोड़ूंगा। आज के बाद ग्रामर और टेक्स्ट बुक की नहीं रहेगी आपको कोई भी टेंशन, ठीक है। आपको लगेगा यार टेक्स्ट बुक हमने पढ़ी है, हमें सब कुछ आता है, और आप ही करोगे पेपर के अंदर धमाका। तो शुरू करते हैं, जो क्लास का जो सिस्टम है उसको अपने स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अभी
आपका टेंस वगैरह सब क्लियर करवाएंगे। तो जैसे अपने ग्रामर पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं टेंस के साथ में शुरुआत करता हूं कि टेंस जो है वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। टेंस को अभी निचोड़ देंगे और इसके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं आपको कि जो आज टेंस यहां पे मैंने करा दिया ना बोर्ड पे, उसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह के सेंटेंसेस के मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और उन फॉर्मेट के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, उनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ये एमसीक्यू में आते हैं टेंस जो आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं टेंस की बात करते हैं तो टेंस आपने पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जैसे आपको कहा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस ये साथ में लगाना है, ठीक है। अब आपको ये कह दिया गया कि एस या ईएस लगाना है। अब सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा तब तो एस या ईएस आप लगाएंगे, जब प्लूरल होगा तो आप सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल देंगे, ना एस लगाएंगे ना ईएस। यानी एस या ईएस तो आपको लगाना ही नहीं है, ये तो मैंने जनरली आपको बताया है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप सेलेक्ट करोगे ना ऑप्शन को, उस समय अगर आपको प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन मिल जाए, यानी प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन आपको कैसे मिलेगी, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन आपको मिल जाए, यानी प्रेजेंट सिंपल के अंदर, एक तो आपको मैं बताऊं कि प्रेजेंट सिंपल में आप मान के चलिए कि डेली, ये ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, ठीक है, ये अगर लिखा हो ना डेली ऑलवेज यूजुअली रेगुलरली, और ये जो अगर वर्डिंग्स आ जाए, इसके अलावा जैसे मंडे ट्यूजडे इस तरह से किसी वार का नाम लिखा हो और उसके आगे एस लग जाता है, तो डेली ऑलवेज यूजुअली रेगुलरली मंडेज ट्यूजडेज इस तरह से हो, या एक वर्ड और आता है ओफन, ये वर्ड पकड़ने हैं आपको। अगर ये वर्ड आपने पकड़ लिए, कितने वर्ड है देखिए, डेली ऑलवेज यूजुअली रेगुलरली मंडेज ओफन, अगर ये वर्ड आप पकड़ लिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इन शब्दों का अगर यूज होता है तो जनरली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है, या तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे या एस या ईएस, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो और ये शब्द आ जाए तब तो एस या ईएस जिस फॉर्म के साथ में लगा हो वो उठा लेना, ठीक है। और अगर ये वर्ड आ गए और सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म सीधी रखी हो वो उठा लेना। इसके अंदर हमेशा आपको ये रहेगा कि डेली ऑलवेज यूजुअली रेगुलरली मंडेज और ऑफन, इस तरह के वर्ड अगर आ जाते हैं तो वहां पर टेंस कौन सा आना है, प्रेजेंट सिंपल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि टेंस आपको पता चल रहा होता है कि इसके अंदर तो एक और है, जैसे ऑलवेज है तो ऑलवेज का ऑपोजिट कई बार नेवर या सेल्डम भी आ जाता है, ये वर्ड्स देख लेना, इन वर्ड्स के बेस पे आपको प्रेजेंट सिंपल ही भरना है। आपके पेपर का लेवल इतना ही होता है, ज्यादा घुमाएगा फिराएगा नहीं, ये वर्ड्स आपको मिल गए तो प्रेजेंट सिंपल मान करके और उसमें या तो भर देना एस या ईएस, कब, जब सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा हो, सिंगुलर, यानी अकेला आदमी हो करने वाला। अकेला आदमी अगर आएगा तो फादर आएगा, मदर आएगा, सिस्टर ब्रदर, इस तरह का टिपिकल सब्जेक्ट, या कोई मोहन रद्द इस तरह का कोई नाम हो तो आप समझ लेना सिंगुलर है। अगर बॉयज हो, स्टूडेंट्स हो या दे हो, ये तीन शब्द ध्यान रखना, बॉयज, स्टूडेंट्स, दे। अब बॉयज की जगह गर्ल्स आ जाए तो भी तब ये प्लूरल हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी आती है। कई बार सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव यानी नोट लगा हुआ, तो ध्यान रहे जब इसके अंदर आपको नोट वाला सेंटेंस आए तब आपने डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करना होता है,
डज नॉट या डू नॉट का आप यूज करेंगे। अब डज नॉट वही ईएस वाली बात है, डज नॉट आप सिंगुलर के साथ लगा देंगे, डू नॉट प्लूरल के साथ। अगर आपको ऑप्शन में नॉट वाले ऑप्शन मिल रहे हैं तब तो आपने क्या करना है, डज और डू के हिसाब से सिलेक्ट करना है। और अगर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, सीधी वर्ब रखी हुई है, तो इन वर्ड्स के साथ में हमेशा आपने एस या ईएस वाली फॉर्म डालेंगे या आप डालेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां से आपकी जो फॉर्म है वो गलत नहीं जाएगी। इसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी आपकी होती है इज एम आर प्लस आई एन जी। यहां पे भी मैं हर बार बताता हूं, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस होता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ ही काम आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और ये आई एम जो है ये सिर्फ आई के साथ काम आता है। तो इज एम आर, यानी सिंगुलर में इज लगाया, प्लूरल में आर लगाया, और एम जो है वो आया आपका आई के साथ में काम आ गया। अब इसकी निशानी क्या है, देखिए इसकी निशानी यह होगी नाउ ए डेज, ए तो ये आ जाए, दीज डेज या नाउ ए डेज, दीज डेज, दिस टाइम या नाउ। ज्यादा आपके नाउ, नाउ ए डेज या दीज डेज जो है ये इनके आने का ज्यादा चांस है। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाए, नाउ ए डेज या नाउ अकेला या दीज डेज या दिस टाइम, टेंथ क्लास के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो इसी से संबंधित आएगा, यानी नाउ ए डेज, दीज डेज, दिस टाइम और नाउ अगर आपको मिल जाए ना ऊपर सेंटेंस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देख लेना कि इज एम आर आई एन जी में से जो फॉर्म है वो आपको निकालनी है, यानी इज के साथ में आई एन जी लगा हुआ हो वो उठाना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आर के साथ आई एन जी उठाना है, सब्जेक्ट आपका आई हो तो एम के साथ आई एन जी उठाना है। उठाना आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी उठाना है, इसके अलावा कुछ नहीं उठाना है, समझ गए। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस आपका कौन सा है, नेक्स्ट टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी आपको मैं बताता हूं, हैज, हैव और आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज उसी में आता है, एस है, यानी अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका तो एस आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, और फॉर्म हमेशा थर्ड रहेगी। पकड़ेंगे कैसे, जस्ट, येट, सो फार, रिसेंटली, एक वर्ड और है ऑलरेडी, इन वर्ड्स को पकड़ लेंगे। ये वर्ड्स अगर आ गए, जस्ट आ जाए, येट आ जाए, सो फार, रिसेंटली या ऑलरेडी आ जाए, तो आप समझ लेना कि हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर भी पाई जाएगी वही आपका करेक्ट होने वाला ऑप्शन होगा। यानी हैज आ जाए, हैव आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जस्ट, येट, सो फार, रिसेंटली और ऑलरेडी, ये आपका इस तरीके से आप जो है वो भरेंगे वर्ब की फॉर्म। जस्ट भर दिए, जस्ट आया है, येट आया है, सो फार आया है, तब आप सीधा जाएंगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये निशानी रखनी है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही चीज का ध्यान रखना आप, तो बस फोर और सिंस, कि आपका फोर और सिंस आ जाए ना उसके अंदर आपने क्या करना है, हैज या हैव, बीन और जहां पर वर्ब के साथ में होगा आई एन जी, ये आई एन जी वाली आपको उठानी पड़ेगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करोगे, फोर सिंस का पकड़ लेना, कि फोर सिंस आया तो हैज, हैव, बीन और वर्ब के साथ में आई एन जी हमें लगाना है।
नेक्स्ट आपका, इसके बाद में ये आपका प्रेजेंट टेंस जो है यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेंस हमारा आता है वो टेंस है हमारा पास्ट टेंस, राइट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टेंस कौन सा होगा, होगा पास्ट टेंस। इसके बाद में आता है आपका पास्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट में हम बात करते हैं पास्ट सिंपल। जैसे ही मैं पास्ट सिंपल कहता हूं तो थोड़ा बहुत भी जो टापर पढ़ा है उसके दिमाग में आ जाएगा यार पास्ट सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब ऑलमोस्ट तो है ईडी लगी हुई मिलेगी आपको, यानी सीधी की सीधी उठा के और ईडी वाली जो फॉर्म उसमें दी होगी ईडी। एक लर्न जो है ना, लर्न में लर्नड मत सेलेक्ट कर लेना, लर्न में लर्नड ऑप्शन हमेशा दिया होता है, टापर सेलेक्ट करते हैं। लर्न शब्द जब आ जाए तो लर्नड होता है, ये लर्नड होता है, लर्नड नहीं होता है, लर्नड होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब पास्ट सिंपल के अंदर क्या करते हैं आप, पास्ट सिंपल में आपको जो वर्ड पकड़ने हैं वो एक तो होगा यस्टरडे, एक होगा लास्ट, एक होगा एगो। ये कई बार घुमाने के लिए प्रीवियस डे दे दिया जाता है यस्टरडे की जगह, वो भी ध्यान में रख लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगा। यस्टरडे को प्रीवियस डे भी कहा जाता है, ठीक है। यस्टरडे, लास्ट, एगो और प्रीवियस या पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब है जैसे आपको ये टाइम दे दिया जाए 2003, ये अब आज के हिसाब से पास्ट का टाइम हो गया ना, 2003 दे देगा। तो ये चीजें हैं यस्टरडे, लास्ट, एगो, प्रीवियस डे, पास्ट टाइम। ये जब हो तब आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का बिल्कुल लोचा नहीं है। हाँ, इसमें आपको करना क्या होता है, अगर नोट आ जाए ना कहीं पे तो नोट को डिड के साथ लगाना होता है, डिड नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जैसी है वैसी की वैसी। यानी जब ये शब्द हो, यस्टरडे, लास्ट, एगो, प्रीवियस डे और पास्ट वाला टाइम अगर लिखा हो तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, या तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर सेकंड फॉर्म नहीं है तो वहां पर आप डिड नॉट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगाएंगे। यानी ये डिड जो होता है ये पास्ट सिंपल का होता है। अगर पास्ट सिंपल की कंडीशन बन रही है, ये चारों शब्द आ रहे हैं, तो या तो डिड वाला लग जाएगा या आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी सीधी सीधी, और कुछ नहीं लगना है। पास्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट के ऑपोजिट में चलना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट होता है, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो एस जिसमें है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और बिना एस वाला प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, और आईएनजी। अब पता कैसे लगाएं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दोज डेज आ जाएगा, दैट टाइम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो है दोज डेज और दैट टाइम, यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा, एक कंडीशन आपकी आ जाती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दे देता है, वो व्हेन और व्हाइल के साथ। ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर व्हेन और व्हाइल शब्द आया है, ठीक है, और इसके साथ में उसने जो पहले आपको सेंटेंस दिया है वो आईएनजी वाला दे रखा है, When और while के साथ अगर ing वाला सेंटेंस दे रखा है, तब तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, और अगर पहले से उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप वाज वर्ब के साथ ing वाला उठा लेना। ये आपको when और while में खास ध्यान रखना है। और ये जो सेंटेंस है ये आएगा एग्जाम के अंदर, ये आज ही बता रहा हूं, ये when और while आएगा, फाइनली आएगा, ये मान लेना मैंने पेपर ही देख लिया है।
समझ में आ गई ना बात। तो वाज और वर जो है उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस होता है। और दोज डेज दैट टाइम, ठीक है, ये शब्द जब आ जाए तो ये लगता है, पर जनरली आपसे क्या है कि वेन और वाइल के साथ में भरवाया जाएगा, ये पहले ही बता देता हूं मैं। तो वेन और वाइल के साथ आपको ध्यान रखना है आईएनजी और सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन आता है। अगर सेकंड फॉर्म पहले लगा रखी हो उसने, आपको लगे इस सेंटेंस में वेन भी आया है और सेकंड फॉर्म आई है, मतलब आईएनजी बाकी है, आपको लगता है वेन और वाइल आया है, आईएनजी पहले से लगा रखा है इसने, आईएनजी लगा रखा है मतलब सेकंड फॉर्म बाकी है। इस तरीके से आपको वेन और वाइल को हैंडल करना है। इसके बाद में आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर सीन्स आएगा, यहां से आपको पता लग जाएगा और आपने भरना है हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कई टम्बर कहेंगे सर बनाओ मत, फोर सीन्स आपने प्रेजेंट में भी बताया है, बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रहे यहां पर ये जब सेंटेंस आएगा ना और फोर सीन्स अगर आ जाता है और उसके अंदर पहले से कोई पास्ट का टुकड़ा है, पास्ट का टुकड़ा यानी जैसे सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है, या हेड लगा हुआ आ जाए, एक सेंटेंस है उसके अंदर जिसमें या तो सेकंड फॉर्म आ जाए या हेड आ जाए या वाज वर आ जाए, इस तरह का कोई भी अगर पास्ट का आपको कोई भी निशान दिखता है कि यहां पे मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर पास्ट आने वाला है, हेड जो है कहीं ये भी देख रहे सर ने पास्ट परफेक्ट नहीं कराया अभी, पास्ट परफेक्ट मैंने इसलिए नहीं कराया कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी इतनी जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा एक बार परफेक्ट कंटिन्यूस का तो छोटा सा है ये करवा दूं, उसके बाद में आपको पास्ट परफेक्ट करवाता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका जो टेंस है वो फोर सिंस हैड बीन आईएनजी कब लगता है, जब फोर सिंस लगा हुआ हो और साथ में एक पास्ट टेंस का टुकड़ा मिले आपको जिसमें या तो आपको सेकंड फॉर्म दिखे या वाज वर्ब दिखे या हेड दिखे, तब ये देख लेना कि यार हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब के साथ में फोर सिंस आया हुआ है कहीं ना कहीं, तो हेड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये कोड ब्रेकिंग है, इससे गलत नहीं जाएगा, 101% आपका सही जाएगा, 10th क्लास का इतना ही लेवल है, इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में आपका आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट के अंदर से ये वेन और वाइल और एक केस आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर बनता है आफ्टर और बिफोर का, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट केस होते हैं, ये अभी आप देख लेना एकदम ये क्लियर अच्छे से। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट करवाने जा रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, इसके बाद इनके एग्जांपल भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको बता दूं कि जो पास्ट परफेक्ट है इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पास्ट परफेक्ट में आपको हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। पता कैसे चलेगा सर, तो मैं बता दूं आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो दो ही शब्दों पे आधारित आएंगे, बिफोर और आफ्टर, ये ध्यान रखना, बिफोर और आफ्टर दो ही शब्दों पे आधारित क्वेश्चन आएगा अगर पास्ट परफेक्ट का आता है तो, और अगर इन दो शब्दों का क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा, देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं बिफोर है, ये शब्द आ गया बिफोर और इसके बाद में आपको लगाना है, समझ रहे हो बात, बिफोर के बाद में लगाना है तब तो लगाएंगे सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले लगाना है तो लगाएंगे हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह आफ्टर में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, याद कहीं कंफ्यूज हो जाए तो याद रखना बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर से पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद वाला आएगा पास्ट परफेक्ट, अगर आफ्टर आ जाता है तो ये बाद वाला जो है ये आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आफ्टर के बाद, और आफ्टर से पहले रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म,
ये पास्ट परफेक्ट के अंदर यही स्ट्रक्चर आपको एक्यूरेट मिलेगा। जहां भी बिफोर देख लो ना, समझ जाना कि बिफोर से पहले परफेक्ट लगाना है, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर का आफ्टर में इसका उल्टा हो जाएगा, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आता है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर आपको जो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, फ्यूचर के अंदर जैसे जो फ्यूचर के अंदर जो पहला टेंस होता है वो होगा आपका, हर एक के अंदर जैसे होता है वैसे ही फ्यूचर के अंदर कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल या कह लो फ्यूचर इनडेफिनेट, एक ही बात है, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना होता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। विल और शैल क्या है, विल और शैल मॉडल्स हैं और मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दूसरी कोई फॉर्म नहीं आएगी। ये मॉडल्स का सीधा सीधा उसूल होता है कि मॉडल्स अगर आ गया तो विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, ये जो शैल होता है ना, इसके लिए आपको सब्जेक्ट निकालना है क्या, आई और वी। कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो ही आप शैल का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा है तब आप विल का प्रयोग करेंगे। ये तरीका रहेगा आपके फ्यूचर सिंपल यूज करने का। अब इसके अंदर कैसे करना है, कैसे तरीका कैसे होगा, देखिए इसमें या तो अधिकतर आपके जो वर्ड आएगा ना वो आएगा टुमारो या नेक्स्ट के साथ में टाइम आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, सीधा सीधा लिखा हुआ, या तो टुमारो हो या नेक्स्ट मंथ हो या हो टुडे इवनिंग, इस तरह का कोई भी टाइम आ जाए ना, तब आपको क्या करना है, ये वाला लगाना है। कई बार क्या होता है आपके ये वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, टुडे इवनिंग, टुमारो, ये कई बार ये वर्ड भी आ जाते हैं और आपको लगता है यार विल शैल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर देना है, दोनों में से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो ये मिल जाए, ये ना मिले तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिल जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आपको क्या करना होता है, इज एम आर के साथ आईएनजी लगाना होता है। एक अगर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर सेंटेंस आ गया ना तो गलती खा जाओगे सारे के सारे, इसलिए ये सेंटेंस मैं बता देता हूं ताकि आप जो है वो गलती नहीं खाओ सारे। क्या करना है आपको कि अगर आपके जो सेंटेंस आया है ना, उस सेंटेंस के अंदर ये ऐसा कोई नाम हो ना, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, तो इसके साथ में ये देख लेना कि वो आपको गोंगलू बनाने के लिए दिया है, उसने ऐसा नाम आ जाए तो आप सिंपली प्रेजेंट सिंपल यूज कर देना बस, और कुछ नहीं देखना है आपको। प्रेजेंट सिंपल यानी मिनिस्टर शब्द आ जाए, सीएम आ जाए, पीएम आ जाए तो इसके साथ में, और टुडे इवनिंग लगा हो तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का नाम आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल ही लगता है, ऐसा सेंटेंस भी अभी करवाऊंगा मैं आपको, और प्रेजेंट सिंपल आपने लगाना है। मंत्री अगर किसी का भी नाम आ जाए, पीएम आ जाए, सीएम आ जाए, इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। अगर प्रेजेंट सिंपल ना हो ऑप्शन में तब आप ये लगा सकते हो, पर अगर प्रेजेंट सिंपल और ये साथ में है तो प्रेजेंट सिंपल को प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। इसके बाद में आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं आएगा, फ्यूचर जो परफेक्ट है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपके सेंटेंस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको क्या मिलेगा, देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना होता है, विल शैल का पता वैसे ही लगा लेना जैसे अभी बताया आपको, कि अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी हो तब तो लगाना है शैल, अन्य सब्जेक्ट हो तो विल, इसके साथ में हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है।
अब फ्यूचर परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, आपको अगर बाई दिया हो, ठीक है ना, और बाई के बाद में टाइम आ जाए, जैसे बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट वीक, बाई एंड ऑफ दिस वीक, इस तरह से बाई के साथ में जब टाइम आ जाए ना, तो ये ध्यान रखना आपको यही टेंस यूज करना है, बस यही, इसी में संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाला है। बाकी तो लंबा थोड़ा खप खाना है, इसको रगड़ने से कोई फायदा नहीं है, पर ये चीज आप स्पेशली ध्यान रखना, एक तो जो वैन वाई, एक बिफोर आफ्टर, और एक ये बाई प्लस टाइम, एक फोर सिंस, ये चीज जो है ना, इनका खास करके ध्यान रखना है। आपको दो सेंटेंस आएंगे इन चारों के अंदर से, बिफोर आफ्टर, व्हेन व्हाई, बाई प्लस टाइम, ये इनके अंदर से आपको दो सेंटेंस मिल जाएंगे तीनों के अंदर से, देख लेना। एक टेंस आपका आएगा प्रेजेंट सिंपल का, एक आएगा पास्ट सिंपल का, ये मैं अभी बता रहा हूं, यही बता रहा हूं। यानी आपको मिलना क्या है, आपको जो टेंस मोस्ट प्रोबेबली मिलने हैं ना, वो एक तो मिलना है आपको प्रेजेंट सिंपल, मिलेगा ही मिलेगा एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल, क्लियर कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा आपको करना है पास्ट सिंपल, एक सेंटेंस आपको इसका मिलेगा। अब बाकी के जो दो सेंटेंस है ना, वो किस में से आने हैं आपके, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, इनके अंदर से आनी, पास्ट परफेक्ट के अंदर से आएगा, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर से आएगा, और कौन सा रह गया आपका, इसके अलावा एक आपका रह गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये इनके अंदर से सेंटेंस आने हैं। और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस भी मैं आपको बता देता हूं, आपका व्हेन व्हाई और बिफोर आफ्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट केस है, व्हेन व्हाइल और बिफोर आफ्टर, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन ये तो मान लो आप छपी गया पेपर के अंदर, आया ही पढ़ा है, एक ये वाला आया ही पढ़ा है पेपर के अंदर, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या निकालना है कि बाई के साथ में कोई टाइम दिया हुआ हो, जैसे बाई नेक्स्ट मंथ, बाई एंड ऑफ दिस वीक, बाई नेक्स्ट मंडे, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई दिस मंथ नेक्स्ट ईयर, ऐसी भी अड़बात कर देते हैं कई बार, तो दिस के चक्कर में नहीं पढ़ना फिर कि दिस टाइम लगा है तो कंटिन्यूस, नहीं, अगर बाई आ गया तो समझ लेना वो आपसे फ्यूचर परफेक्ट मांग रहा है, समझ में आ गई बात। ये हो गए आपके सारे के सारे टेंस का एक शॉर्ट तरीका, मैंने बताया किस तरह से आपको सारे टेंस भरने हैं। अगर ये क्लास पूरी लगा लेते हो तो टेंस में नंबर नहीं कटेंगे आपके, मैं कुछ आपको 10-12 सेंटेंस और बता देता हूं कि किस फॉर्मेट के सेंटेंस आने वाले हैं, वो सेंटेंस बताता हूं आपको अभी इसी वक्त कि किस तरह के सेंटेंस आएंगे, उसके बाद में क्या, आज थोड़ा मौसम भी खराब है और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी चल रही है, ये सेंटेंस मैं बता देता हूं, उसके बाद में मेरे हिसाब से शायद मैं क्लास कंटिन्यू ना कर पाऊं, क्योंकि पहले मैं लाइव करने वाला था, मैंने पोस्ट भी डाला था आज लाइव करूंगा, पर इसी वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो अप डाउन हो रही है, कई बार बीच में दिक्कत आ रही है और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, तो फिर मैंने वीडियो शूट किया आपके लिए, और अभी भी दिक्कत आ रही है वीडियो शूट करते टाइम भी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वीडियो में क्या होता है अपने पॉज कर लेते हैं, लाइव में पॉज नहीं हो पाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो सेंटेंस मैं आपको करवाऊंगा वो सेंटेंस आप देख लेना किस तरह के करवाता हूं, अभी करवाऊंगा सेंटेंस इसी क्लास के अंदर, अभी कुछ एक सेंटेंस आपको मैं करवा देता हूं, वो थोड़ा सा आप वेट कर लो, एक बार मैं थोड़ा लाइट वगैरह का चेक कर लेता हूं, लो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं और इसके बाद में फिर आपको बताता हूं मैं कैसे होगा, ये मेरे पास में फाइल है एक, मैं क्वेश्चन आपको उसमें से बता देता हूं, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, पहले बता रहा हूं मैं, बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं,
जैसे पहला सेंटेंस आपका है माय ब्रदर्स यूजुअली टू स्कूल, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है गोज गो हैड गॉन और हैव गॉन, ये आपको चार ऑप्शन इसमें दिए हैं। अब इन चार ऑप्शन को आप देखो आपके क्या समझ में आएगा इन ऑप्शंस को देखने से, ये देखिए यहां पे आपको वो वर्ड मिल रहा है जो वर्ड मैंने कराया है, वो वर्ड जैसे ही आपको मिलता है कौन से वाला ये यूजुअली, अब यूजुअली मिलते ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस। अब जाना है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है ब्रदर्स यानी प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मैंने बता दिया एस या ईएस वाली हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा गो ये वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। या एक चीज मैं बतानी भूल गया प्रेजेंट सिंपल के अंदर कि इस तरह का कोई भी आ जाए ना, जैसे वुड है और वाटर है, यानी नेचुरल चीजों के नाम आ जाए, सन है अर्थ है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही चूज करना है, क्योंकि वो या तो ये देगा आपको लकड़ी पानी पे तैरती है, या ये देगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, या देगा चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। तो ये ध्यान रखना जब भी नेचुरल थिंग का कोई भी नाम आ जाए, कोई बड़ी नदी का या हिमालय का, इस तरह का कोई भी नेचुरल थिंग का नाम आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना है, वो भी कौन से वाला प्रेजेंट सिंपल लगता है इसमें, और वो भी कौन से वाला एस और ईएस वाला लगता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें कई बार एस या ईएस हम बता देते हैं और वो स्टार्स दे देता है, तो थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रख लेना, और एस या ईएस पर लगेगा प्रेजेंट सिंपली, ये फाइनल है। अगर नेचुरल चीज कोई भी वो आपको देता है ना, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगना है। ये जैसे ही मैं देख रहा था एक एग्जाम्पल दिखा, तो मेरे को ये एग्जाम्पल ये रखा हुआ है इसका वुड ओवर वाटर, ऑप्शन दे रखा है फ्लोटिंग वाज फ्लोटिंग फ्लोट और डी दिया है फ्लोट्स, ये ऑप्शन दिए हैं इसने आपको चार। अब इसके अंदर से आपको जब देखते हो कि वुड सिंगल है ओवर वाटर और फ्लोट दिया हुआ है, यानी नेचुरल चीज आ गई, इधर लकड़ी है इधर पानी है, तो आपको क्या करना है, ये सिंगुलर है तो फ्लोट्स निकालना है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको बताता हूं, क्वेश्चन काफी सारे दे रखे हैं। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जैसे मान लो कोई सेंटेंस शुरू होता है ना लुक लिसन सी इस तरह के, यानी हमारी इंद्रियों से संबंधित क्रिया के साथ में अगर सेंटेंस शुरू होता है, देखो सुनो देखो रन भागो, यानी अगर इस तरह का निशान लगा करके और सेंटेंस हमारी इंद्रियों की किसी क्रिया से शुरू होता है, वहां पर आपने हमेशा इज एम आर प्लस आई एन जी का प्रयोग करना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फैक्टर और बता देता हूं, अगर इस तरह से सेंटेंस शुरू होता है ना लुक लिसन सी रन और आगे ये वाला निशान लगा हो, तो आपको क्या करना है इज एम आर प्लस आई एन जी का यूज करना है। ओके, अगला सेंटेंस दिया है दे
फुटबॉल मैच एट दिस मोमेंट। ऑप्शन डाले हैं वॉच डी है, हैड वॉच्ड सी है, इज वॉचिंग डी है, आर वॉचिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था आपको क्या निकालना है कि दिस टाइम दिया हो, दिस के साथ टाइम, ये यहां दे रखा है इसने दिस और मोमेंट। अब दिस के साथ टाइम दे रखा है तो मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू। सब्जेक्ट देखो प्लूरल है तो आर आएगा, जनरल सी बात है, आर और आईएनजी वाला आपको फाइनली सेलेक्ट कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के इसी फॉर्मेट पे टिके हुए क्वेश्चन आएंगे। यानी आज जो आपको मैंने 11 से 12 फॉर्मेट कराए हैं टेंस के, कि इन चीजों का आपको ध्यान में रखते हुए टेंस को करना है, उनके बाहर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि टेंस के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी दिमाग लगा करके, और एक पेज का जो मैंने आपको ये नोट्स जैसा कुछ है मान लो ये करवाया है, इसको आपने क्या करना है, इसको करना पढ़ लेना एक बार और एक्सरसाइज जो है कुछ कर लेना, ठीक है। और एक ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, वो पीडीएफ आपके मैं डाल दूंगा। 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, वो 100 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो 100 क्वेश्चन आप कर लेना, उसमें बुक के भी हैं सारे ही हैं। उस 100 में से ही 25-26 क्वेश्चन आपको पेपर में पड़े हुए मिलने हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह से ये सेंटेंस दिया है, नेक्स्ट अभी करवाता हूं, व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही, ऑप्शन दिया है बाथ, बी दिया है हैज बीन बाथिंग, सी दिया है बाथ्स, और डी दिया है वाज बाथिंग। अब देखो जब इस सेंटेंस को आप देखते हो तो वही जो मैंने आपको लिखाया था कि वेन आया है और वेन के साथ सेकंड फॉर्म आ चुका है, मतलब आईएनजी वाला निकालना है, और है क्या आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो निकाल लीजिए आईएनजी और वाज, ये निकल गया। इतना इजी होता है ये, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको ना कर पाओ, ठीक है। द मैन हिज सीट बिफोर ए लेडी अराइव्ड। अब ये देखिए लिखा हुआ है और ऑप्शन आपको दिए हैं, हेड लेफ्ट हैज लेफ्ट लेफ्ट और वाज लीविंग, ये आपको ऑप्शन दे दिए इसने। अब आपको क्या देखना है, बिफोर देखना है कि बिफोर आया है, सर ने बताया था बिफोर के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट निकाल लेना, सिंगुलर प्लूरल का लोचा है नहीं, पास्ट परफेक्ट ये सामने पड़ा हैड, समझ में आ गई बात। भाई बिफोर के साथ में आपको क्या करना है, अगर हैड दे रखा है और ये जगह उसने खाली छोड़ रखी हो सपोज, तब तो सेकंड फॉर्म डालनी थी, क्योंकि बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, पहले क्या आता है आपका। इसी तरह से एक और बता देता हूं, इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है, वही बता रहा हूं मैं,
आपको 90% आपका सेंटेंस सही जाएगा, गलत नहीं होगा किसमें, इसके अंदर। लेकिन फिर भी एक और मैं आपको बता देता हूं, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई ए स्नेक, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है, अब व्हेन भी आ गया, सेकंड फॉर्म भी आ गई, यहां पे अपना दिमाग जाएगा वाज आईएनजी नहीं। अगर ऐसा होता है कि जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, यानी सब्जेक्ट जब एक ही हो, ये ध्यान रखना, समझ रहे हो ना, जब आपका सब्जेक्ट एक ही हो ना व्हेन के साथ, देखो यहां भी आई है यहां भी आई है, ठीक है, यहां पे राधे है और यहां पे ही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है व्हेन राधे और यहां पे भी आपका ही आ जाए, तो राधे और ही एक ही है, यानी जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हो, यहां पे देखो आई और ही, सब्जेक्ट अलग अलग था, जब सब्जेक्ट एक ही हो ना तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट सेम तो वर्ब की फॉर्म सेम, जब सब्जेक्ट चेंज तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस मंथ, क्या लिखा है, ही कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपको बताया मैंने बाय के आगे टाइम है, बाय के आगे टाइम है, बिना सोचे समझे आपको फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, तो क्या लगाओगे, ही विल हैव, अब मान लो आपको फिनिश दे रखा है तो फिनिश्ड, और कंप्लीट दे रखा है तो कंप्लीटेड, यहां पे कंप्लीटेड, ठीक है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। इस तरीके से ये जो आपको मैंने 10 से 11 स्टेप जो बताए हैं टेंस को फिलअप करने के, ये स्टेप क्लियर कर लो, आपका टेंस गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और कुछ गलत हो जाए मैं नहीं कह सकता, पर इन फॉर्मेट्स को अप्लाई करो, टेंस गलत नहीं होगा। पीडीएफ जो है 100 क्वेश्चंस की, वो इसी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, 100 क्वेश्चंस है, उन 100 क्वेश्चंस के अंदर से पूरा पेपर पड़ेगा, ना तो भाई साहब टेंस बाहर जाएगा, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाहर जाएगा, ना जाएगा एक्टिव पैसिव, पहले बता रहा हूं मैं। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने मोहन लिखा है वो उसकी जगह रामलाल लिख दे, वो एक अलग चीज है, पर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो एक्यूरेट आने वाला है। समझ में आ गई बात, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखो आज थोड़ा मौसम सही नहीं है, तो मुझे एक चीज है, इस चीज का दुख भी है कि मैं क्लास पूरी नहीं कर पाया, आज इच्छा थी मेरी कि चाहे 3 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे, अभी क्या थोड़ा दिन गहराने लग गया, अब तो मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ा रहा था इतनी देर, मैंने कहा चलो जितनी लाइट है एनफ है, जो टॉपिक छेड़ा है जितना हो सके करते हैं। लेकिन अभी ये टेंस तो आपका हो गया कंप्लीट, टेंस कंप्लीट होने से क्या होता है, और भी तो बहुत कुछ पड़ा है, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही थोड़ा सा रिवाइव होता है सिचुएशन, वेदर वगैरह जो सही होता है, उसके बाद में मैं आपके लिए फिर से एक क्लास जो है लगाता हूँ, और सेकंड पार्ट के अंदर फिर आपको मैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन टैग वो सारे के सारे करवा देता हूँ, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टेंस अच्छे से पढ़ लेना, टेंस अगर समझ में आ गया तो 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, समझ में आई बात, यानी 10 लाइन पढ़नी है और 4 नंबर मिल रहे हैं, क्या 10 लाइन पढ़नी है और 4 नंबर मिल रहे हैं, तो छोड़ोगे तो नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।